हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का मैच होने वाला है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बैलवाड़ी पुणे में। दोस्तों वीवो प्रो कबड्डी डिवाइस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करते हैं आज तेलुगु जॉइंट्स का मैच होगा नेक्स्ट। दोस्तों मैच शुरू हो चुका है, बेंगलुरु सोच है दबंग दिल्ली के बीच, दोनों टीमों के बीच मैच शुरू हो चुका है। फर्स्ट हाफ के बाद दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। दोस्तों बात करेंगे दोनों टीमों के बीच किस तरह से आज का परफॉर्म रहा है इस मैच में। बेंगलुरु सोच है दबंग दिल्ली पहला मैच, दूसरा मैच होगा तेलुगु टाइटंस गुजरात जॉइंट्स, तीसरा मैच होगा बंगाल वॉरियर्स जुम्बा त्रिपुर पंगा है। आज दोस्तों पहला मैच बेंगलुरु सोच है दबंग दिल्ली की बात करते हैं, वन स्कोर बजे देखते हैं इस खिलाड़ी किस तरह से आज का परफॉर्म इस मैच में रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से बेंगलुरु फोर्स दबंग दिल्ली का पलड़ा किस पे भारी रहा है, आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे स्कोर बोर्ड के जरिए। दोस्तों शुरू हो चुका है श्री छत्रपति खेल परिसर के कुश्ती हॉल में मैच आज लाइव कबड्डी का। दोस्तों फर्स्ट हाफ के बाद दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। बेंगलुरु दबंग दिल्ली के बीच बहुत ही शानदार भिड़ंत, 12-10 का चल रहा है फासला, 2 का पॉइंट आगे चल रहा है बेंगलुरु बुल्स। दोस्तों रेड पॉइंट बात करते हैं, बेंगलुरु बुल्स के 5 पॉइंट मिले रेड में, सुपर पॉइंट मिले 0 अंक, टैकल पॉइंट मिले 3, ऑल आउट पॉइंट मिले 2, दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट मिले 2। दोस्तों दबंग दिल्ली बात करते हैं, 10 पॉइंट रह चुकी है अभी तक, 12 पॉइंट मिले बेंगलुरु बुल्स को, रेड पॉइंट 5, सुपर टैकल 0, टैकल पॉइंट मिले 3 पॉइंट, ऑल आउट मिले 2, एक्स्ट्रा मिले 2। दोस्तों बात करते हैं दबंग दिल्ली की, दबंग दिल्ली को मिले रेड पॉइंट में 8 पॉइंट, 1 मिला सुपर रेड में, 1 मिला टैकल, ऑल आउट पॉइंट कोई नहीं मिला, एक्स्ट्रा मिला 1 पॉइंट। दोस्तों आज दबंग दिल्ली को ऑल आउट किया है 2 बार बेंगलुरु बुल्स ने, टैकल में 3 पॉइंट मिले, रेड पॉइंट में 5 अंक, उसके बाद दिल्ली के हैं 8 अंक, 1 अंक रहा है सुपर रेड का, टैकल का रहा 1 अंक, एक्स्ट्रा रहा 1 अंक। दोस्तों हम बात करेंगे दोनों टीमों के बीच किस तरह से खिलाड़ी का प्रदर्शन रहा इस मैच में। आज का मैच बहुत ही शानदार, बहुत ही रोमांचित हो चुका है, एक घमासान हो रहा है श्री छत्रपति कुश्ती हॉल में पुणे से लाइव। फर्स्ट हाफ के बाद दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। दोस्तों हम बात करेंगे अब कुश्ती के बारे में, तो सॉरी कुश्ती हॉल में मैच हो रहा है, बेंगलुरु बुल्स की बात करते हैं। विकास खंडोला 2 रेड में मिले, 2 मिले टोटल, टैकल बोनस कोई नहीं मिला। फारूक को मिला 2 रेड में, 0 टैकल, 0 बोनस, 2 अंक मिले। सौरभ नंदन को मिले 0 रेड में, 2 टैकल, 2 पॉइंट मिले। नीरज नरवाल 1 मिला रेड में, 0 टैकल, 0 बोनस, 1 अंक मिला। अमन की बात करते हैं 0 रेड में, 1 मिला टैकल में, 0 बोनस, 1 अंक मिला। मयूर कदम की बात करते हैं 0 मिला रेड, 0 टैकल, 0 बोनस। दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले आज विकास खंडेला को, 2 पॉइंट मिले रेड में। भारत को मिला 2 रेड में, सौरभ ने बहुत अच्छा टैकल किया 2 बार, 2 रोड पे पॉइंट मिले। नीरज नरवाल को मिला 1 पॉइंट रेड में, समन ने 1 बार किया टैकल, 1 पॉइंट मिला। दोस्तों आज का बहुत अच्छा मैच हो चुका है, बेंगलुरु आगे चल रहा है 2 पॉइंट दबंग दिल्ली से, दबंग दिल्ली आज पीछे है 2 पॉइंट। अभी तक फर्स्ट हाफ के बाद दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। दोस्तों देखते हैं मैच किस तरफ मोड़ता है, अपनी करवट किस तरफ लेता है। आज बहुत शानदार भिड़ंत रोमांचित मैच हो चुका है वीवो प्रो 11-22 की कबड्डी। दोस्तों हम बात करते हैं बेंगलुरु से विकास खंडेला। दोस्तों विकास खंडेला 2 पॉइंट लिया, बहुत अच्छा तरह से रेड डाली भारत ने, दोनों खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा पंप किया, 4 पॉइंट आए दोनों खातों में। सौरभ नंदन ने 2 बार टैकल किया, बहुत ही अच्छा पंप रहा इस मैच में। दोस्तों हम बात करेंगे दबंग दिल्ली खिलाड़ी किस तरह से इस मैच का अंजाम दिया, प्रदर्शन किया आज का। तो शुरू करते हैं दबंग दिल्ली के खिलाड़ी किस तरह से रेड टैकल बोनस प्राप्त किए, कितने खिलाड़ी किस तरह से विकास खंडेला रहे, यहाँ पर मेन भारत ने भी अच्छा फॉर्म प्रदर्शन किया इस मैच में। दोस्तों बात दबंग दिल्ली की, नवीन कुमार 3 पॉइंट लिए टेन में, 1 मिला बोनस, 4 अंक मिले। आसू मल्लिक को 1 मिला रेड में, 3 बोनस लिए, 4 अंक मिला। विशाल को मिला 1 अंक रेड टैकल में, बोनस रेड कोई नहीं मिला। रवि कुमार मंजीत कृष्ण को कोई रेड टैकल बोनस नहीं मिला इस मैच में। दोस्तों आज का मैच बहुत ही शानदार चुका, दबंग दिल्ली भी 2 पॉइंट पीछे चल रहा है। नवीन कुमार को मिला 3 रेड में, 1 बोनस, 4 अंक मिले टोटल। सबसे आगे चले नवीन कुमार, आसू मल्लिक, उसके बाद 4 पॉइंट, 3 बोनस लिए, 1 अंक लिया। विशाल को मिला 1 अंक टैकल में। दोस्तों आज का मैच बहुत ही शानदार हो चुका है, खिलाड़ी नवीन बात करते हैं, आसू मल्लिक, विशाल, रवि कुमार, मंजीत कृष्ण। दोस्तों नवीन कुमार आगे चले 4 पॉइंट लिए, आसू मल्लिक लिए 4 पॉइंट, विशाल लिए 1 पॉइंट, रवि कुमार, मंजीत कृष्ण लिए 0-0 पॉइंट। दोस्तों आज का मैच बहुत ही शानदार हो चुका है, देखते हैं किस तरह से इस मैच को अंजाम देते हैं, कौन खिलाड़ी किस तरह से पसंद करता है, कौन सी टीम आगे आती है इस मैच में। बेंगलुरु दबंग दिल्ली वीवो प्रो कबड्डी 2022 का मैच
दोस्तों आज नवीन कुमार हर्षल मलिक बहुत ही अच्छे खेले हैं दबंग दिल्ली से, देखते हैं उम्मीद है आगे भी अच्छे खेले और इस मैच को अंजाम पहुंचाए। दोस्तों इस मैच का बहुत ही शानदार प्रिंट हो चुकी है आज इस मैच में। दोस्तों वीडियो अच्छा कैसा लगे आपको जरूर बताए। अभी तो हमारा चैनल पर क्रिकेट सर्च नहीं है तो चलो सब्सक्राइब करें, हम ऑल हाइलाइट्स क्रिकेट फुटबॉल कुश्ती कबड्डी की स्कोर बोर्ड के साथ कमेंट के साथ हम आपके साथ में प्रस्तुत करेंगे। अरे मैच के बाद हाफ के बाद फर्स्ट पारी के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।